आज की ये वीडियो ऐसी है जिसे शायद आप में से कई लोग देखते ही स्किप कर आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही जैसे आप सुबह उठकर टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर फ्लश कर अपना मलमूत्र बहा देते हैं। शायद आप में से कई लोग मलमूत्र, टॉयलेट, लैटरिन, शिट, टट्टी या फिर गो जैसे शब्दों को सुनकर ही गिन महसूस करने लगे होंगे। लेकिन जिन शब्दों को सुनने भर से आप अनकंफर्टेबल हो गए हैं, हजारों दलित इन्हीं शब्दों की सड़ांध में जीने को मजबूर हैं। भारत में 21वीं सदी में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इंसानी मल को उठाने और सिर पर ढोने को मजबूर हैं। आपका मल कोई अपने हाथों से उठाता है और सिर पर ढोता है। भारत में इंसानों द्वारा मैला ढोने को 2013 में ही बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इस काम में लगे हुए हैं। जो लोग ये काम करने को मजबूर हैं, उनमें से करीब 97% दलित हैं। भारत में 58,000 लोग मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं और इसमें से करीब 42,494 लोगों की जाति दलित है। ये आंकड़े मोदी सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दिए हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मंत्रालय से पूछा था कि उन लोगों की जाति क्या है जो आज भी सिर पर मैला ढोने का काम करते हैं, सरकार ने उनके उत्थान के लिए क्या किया और सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए। मोदी सरकार ने सवाल के जवाब में बताया कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा को 2013 में लाए गए मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट 2013 के तहत बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद मंत्रालय की ओर से कराए गए सर्वे में ये खुलासा हुआ कि अभी भी देश में 58,098 लोग इस काम में लगे हुए हैं। जिन 58,098 व्यक्तियों की मैनुअल स्क्वेंजर्स के रूप में पहचान हुई है, उनमें से सिर्फ 43,797 व्यक्तियों के जाति से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। सरकारी सर्वे में पाया गया कि इनमें से 42,594 यानी 97% से भी ज्यादा लोग मैनुअल स्क्वेंजर्स शेड्यूल कास्ट से आते हैं। इनके अलावा 421 शेड्यूल ट्राइब से आते हैं और 431 OBC मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं। सिर्फ 351 लोग ऐसे हैं जो अन्य वर्गों से आते हैं। मैला ढोने की प्रथा के अंत के लिए काम कर रहे लोगों का लंबे समय से ये कहना है कि ये काम दलितों से ही करवाया जाता है। ताजा सरकारी आंकड़े इन दावों की सच्चाई बयां कर रहे हैं। मैला ढोने की प्रथा के अंत के लिए काम करने वाली संस्था सफाई कर्मचारी आंदोलन का दावा है कि देश में अभी भी 26,00,000 ड्राई लेट्रीन हैं जिनकी सफाई का जिम्मा किसी ना किसी व्यक्ति पर होता है, यानी सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा लोग मैला ढोने के काम में लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारी आंदोलन के मुताबिक 36,176 मैनुअल स्क्वेंजर्स देश के रेलवे स्टेशन्स पर रेल की पटरियों पर गिरने वाली शौच को साफ करते हैं। संस्था का ये दावा है कि दलित सफाई कर्मियों को नालों और गटर्स में भी सफाई करने के लिए भेजा जाता है और उन्हें जरूरी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिए जाते। नालों में जहरीली गैस होती है और जिसकी वजह से अक्सर सफाई कर्मियों की मौत की खबर आती रहती है। संस्था के मुताबिक अभी तक ऐसे 1760 मौत के मामले दर्ज हो चुके हैं। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप उस पीड़ा को समझ रहे होंगे जिसमें हजारों लाखों दलितों का दम घुट रहा है। आप ये भी सोच रहे होंगे कि दलित ऐसा करते ही क्यों हैं? वो ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन इसका जवाब आपको हमारे देश की क्रूर जातिवादी व्यवस्था में ही मिलेगा। भारत में जाति ही ये तय करती है कि आपकी सामाजिक हैसियत क्या होगी और बहुत हद तक आपकी आर्थिक हैसियत भी जाति से ही तय होती है। ब्राह्मणों की चालाकी से बने जातिवाद के कारण आज भी भारत में दलितों की बड़ी आबादी गरीबी में जीने को मजबूर है। बहुत से दलितों को दो वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं होती। ऊपर से अशिक्षा ने उनकी तरक्की के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। उनकी तरक्की के लिए सरकारी योजनाएं बनती तो हैं, लेकिन कागजों से निकलकर उनकी झोपड़ी तक कभी नहीं पहुंचती। मैला ढोने में लगे ज्यादातर लोगों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं होता। ऐसे में पेट की आग बुझाने के लिए वो लोगों का मल उठाने तक को मजबूर हो जाते हैं। दलितों की जिंदगी इस देश में इतनी भी आसान नहीं है। जो लोग कहते हैं कि अब तो सब बराबर हैं, सब बराबर हो गया है, अब जाति की कोई समस्या नहीं है, अब कहां होता है जातिवाद, वो कुछ दिनों के लिए दलितों की जिंदगी जी कर देखें तो बदबू से ही मर जाएंगे, क्योंकि ऐसे नरक जैसे हालात में वो कभी नहीं रहे हैं और ना ही वो रह सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हमारा देश ऐसी घटिया और घिनौनी प्रथा से निजात हासिल करेगा और सब मिलकर जाति का विनाश करेंगे। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथियों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को, इस कहानी को बनाने में मेरी मदद कर रही है मेरी सहयोगी अजरा परवीन और मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।